अरे भाई साहब प्लीज यार थोड़े दिन का टाइम दे दो बस यार। अरे नहीं 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 ये घर खाली कर और निकल मेरे घर से। अरे मैं पक्का आपको पूरे ये पूरे पैसे दे दूंगा आपके। अरे नहीं बोला ना निकल यहाँ से। अरे अब क्या करे? अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बोरिया बिस्तर बिल्कुल पैक है, निकल जाओ मेरे घर से, अब कभी बताना मेरे घर पे। अरे अब क्या करेंगे यार? अरे भाई शिनचैन कुछ नहीं कर सकते यार, जो अपन ने सोचा था वही करना पड़ेगा। अरे फिर मैं चलता हूँ। अरे चल यार ठीक है यार मैं भी चलता हूँ शिनचैन, यार मिलेंगे यार कभी ना कभी तो। अरे यार गाइस अब यार शिनचैन जाने वाला है वापस से जापान और मैं भी यहाँ से जाने वाला हूँ, क्योंकि यार ये घर अब हमारा नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास के पैसे नहीं है इसके देने के लिए, इसका रेंट देने के लिए। तो यार जो यहाँ के जो मकान मालिक थे उन्होंने हमको यहाँ से निकाल दिया है, तो अभी मैं चलता हूँ शिनचैन। चल ठीक है बाय बाय शिनचैन। अरे बाय बाय फिंकी भैया। तो गाइस हम दोनों यार जा रहे हैं लॉस सेंटोस छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए। शिनचैन जा रहा है जापान और मैं जा रहा हूँ अपने मामा के घर पे। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला था कि तेरे पास कुछ काम तो है नहीं, आजा मेरी थोड़ी मदद कराने। तो मैं भी जा रहा हूँ उनके पास, मैंने शिनचैन की फ्लाइट की टिकट तो करा दी थी, जितने भी पैसे बचे थे मेरे पास उसकी मैंने टिकट करवा दी, उसकी फ्लाइट की और मेरी अपनी ट्रेन की। तो यार अभी अपन चलते हैं, अपनी ट्रेन यार मिस नहीं हो जाए। शिनचैन भी जा रहा है जापान और मैं भी चल रहा हूँ अपने मामा के पास। अरे भैया रुको रुको मैं भी आ रहा हूँ। तो गाइस अब यार एक और बुरी चीज हो चुकी है कि भाई यार मेरे पास ट्रेन की टिकट के पैसे बचे ही नहीं थे, मैंने सारी सारी शिनचैन की फ्लाइट के लिए खर्च कर दिए थे। तो यार अभी मुझे जाना पड़ रहा है इस बस में, तो यार इस बस में जाने वाला हूँ मैं अपने मामा के पास और मेरे को लगने वाले कुछ 10-15 दिन। तो यार अभी चलते हैं यहाँ से। गाइस सबकी सब चीजें बुरी हो रही है, आप एक अच्छी चीज कर सकते हो यार, फटाफट जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पे सेलेक्ट करना और यार कमेंट में कुछ भी लिख दो यार, ताकि मैं थोड़ा खुश हो सके, शिनचैन अपने जापान में खुश होगा और मैं चलता हूँ अपने मामा के पास। बाय बाय लॉस सेंटोस। Several days later. अरे बेटा तू मेरे गांव में बिल्कुल सही रहेगा, आजा मैं तुझे काम दे दूं। मैंने दिल्ली गैस स्टेशन खरीदा है, वहाँ पे तू काम करियो। क्या गैस स्टेशन? अरे हाँ अभी जाके तू पहले सो जाइयो फिर तू काम पे लग जाइयो, मैं तुझे सारी चीजें समझा दूंगा कैसे क्या करना है। अरे अब क्या मैं दूसरों की गाड़ी का पेट्रोल भरूं? अरे तो तेरे पास कुछ काम तो है नहीं करने के लिए, यही काम कर लेना थोड़े पैसे तो मिलेंगे। अरे ठीक है ले चल आ गए हम यहाँ पे। अरे भाई साहब क्या ही नींद आई भाई। तो यार ये है वो घर जाए जहाँ पे मुझे रहना है। तो गाइस यार ये है मेरे मामा का गांव जहाँ पे वो रहते हैं और यहाँ पे वो काम करते हैं, और ये वो जहाँ पे मेरे कपड़े वपड़े पड़े हैं इस डब्बों में। और यार अभी तो यार बहुत ज्यादा रात हो रखी है, मैं सुबह सो गया था इसलिए रात को भी मेरी नींद खुल चुकी है। और ये जो हमारा रूम है इधर हम रहने वाले हैं यार, ये रूम ज्यादा अच्छा तो नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं यार, कुछ तो है कुछ नहीं से तो यार कुछ ही सही। तो यार ये वाला कचरा यहाँ से हटा देते क्योंकि यार यहाँ पे आने जाने का यार रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो अभी मैंने इसको खोल दिया। अभी चलते हैं यहाँ पे नीचे और देखते हैं भाई यार क्या ही नजारा है गांव के, मस्त है। अभी तो रात हो रखी बहुत ही ज्यादा, पर यार ये गांव तो यार बहुत ही ज्यादा गरीब है यार। यहाँ पे यार आपको दिखाता हूँ हमारा जो गैस स्टेशन है जहाँ पे मुझे यार अभी काम करना है, अभी आपको दिखा देता हूँ। ये वो हमारा गैस स्टेशन जहाँ पे मुझे काम करना है, इसकी हालत यार बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरे मामा ने बताया कि ये 10 साल से बंद लगा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम करने के लिए बंदा था नहीं, और अब मैं आ चुका हूँ तो यार मुझे यहाँ पे काम करना होगा। तो यार यहाँ पे पहले अंदर चल लेते हैं, और यहाँ पे इतनी सारी लकड़ियाँ लगी हुई है, पहले लकड़ी हटा के यहाँ से फेंक देता हूँ। मैं इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, अंदर जाने का पहले रास्ता तो बने, देखे तो सारी अंदर क्या हालत हो रखी है, और यहाँ पे तो बहुत सारी बदबू हो रखी है भाई साहब। अभी ये वाला गेट भी खोल देता हूँ, यहाँ पे 2 गेट यार अंदर अंदर जाने के और बाहर आने के, तो इसको भी मैं यहाँ से खोल देता हूँ। सारी की सारी लकड़ियाँ यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे तो यार बहुत ज्यादा कचरा भी हो रखा है, इसको यहाँ बाहर फेंकते हैं। तो अभी यार मैंने अंदर जाने का एंट्रेंस तो खोल दिया, पर यार पहले यहाँ पे लाइट चाहिए क्योंकि मुझे कुछ भी ढंग से दिख ही नहीं रहा है भाई साहब, मुझे लाइट के लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अरे यहाँ पे ये खंभा है, ये देखो यहाँ पे लाइट जा सकती है, मुझे लगता है यार वहाँ पे कहीं पे लाइट चालू करने का होगा, तो मैं चलता हूँ वहाँ पे यार लाइट चालू करके आते हैं अपनी। देखिए यार क्योंकि यहीं पे दिख रही है वो इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, वहीं पे जा रही है, फिर वहाँ पे जाके अपनी लाइट चालू करते हैं अपने गैस स्टेशन की, फिर अपन को दिखेगा कि करना क्या है अपन को। तो ये रहा वो लेवल, इसको चालू करते क्या हमारी लाइटें शुरू होगी? अरे यहाँ की लाइटें शुरू हो चुकी है, क्या हमारे गैस स्टेशन की लाइट शुरू होगी क्या? और ये क्या चल गई क्या? अरे भाई जल्दी। तो गाइस आखिरकार हमारे गैस स्टेशन की लाइट शुरू हो चुकी है, तो अभी वहाँ पे चलते हैं अपन। अरे यार किसी का फोन आ रहा है, देखो यार किसका फोन आ रहा है। अरे अरे मामा जी बोलो। तो गाइस अब यार मैंने मामा जी से बात कर ली, उन्होंने बोला कि भाई गैस स्टेशन को ठीक करना शुरू कर दे, यहाँ पे कचरा साफ कर, सारी मिट्टी साफ करनी पड़ेगी मुझे। तो अभी यार अपन शुरू करते बिना किसी देरी के। यहाँ पे अपना ये मिट्टी उठाने की मशीन पड़ी है, क्या इसको मैं चला सकता हूँ? क्या चला सकता हूँ? और हाँ मैं चला सकता हूँ, फिर इसको लेके चलते और सारी सारी जो मिट्टी है अपनी वहाँ से हटा दे, ताकि हमारे थोड़े कस्टमर्स आ सके। और अभी चलते फटाफट से। अरे ये क्या,
अरे भाई यहाँ पे तो पेट्रोल ही नहीं है इसमें। अरे यार क्या बेकार है भाई, खुद का गैस स्टेशन है पर इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, अब मुझे पेट्रोल का जुगाड़ करना पड़ेगा। पर यार पेट्रोल भरने के लिए मुझे यार कुछ चीज चाहिए होगी जिसमें पेट्रोल भर सकूं। अरे कुछ कचरा डब्बा मिल जाए, अरे डब्बा मिल गया। तो यार इस वाले डब्बे में मैं पेट्रोल भर के उस वाली गाड़ी में डाल दूं, क्योंकि यार मैं गाड़ी तो ना खसका के लेके जा सकता हूं अपने पेट्रोल स्टेशन तक। तो अभी जल्दी चलते हैं, इसमें पेट्रोल भरते हैं और फिर यार उस गाड़ी में लगा देंगे, इसमें भर देते हैं अपना पेट्रोल, इसको बिल्कुल फुल कर देंगे। ये भर गया और हमारा फुल हो चुका है पेट्रोल, तो अभी इसके अंदर डाल देते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। खटारा गाड़ी कब से पता नहीं पड़ी है, इसके अंदर पेट्रोल ही नहीं था, तो इसके अंदर डाल देते अपना पेट्रोल। तो यहाँ पे अभी मैंने पेट्रोल बिल्कुल फुल कर दिया, फुल तो नहीं किया मतलब हो चुका है हमारा पेट्रोल, भर चुका है। तो अभी यहाँ से पहले अपन को यहाँ से मिट्टी हटानी ताकि यहाँ पे कस्टमर आ सके और मैं उनके पेट्रोल भर सकूँ। तो यहाँ पे देख सकते कितनी ज्यादा मिट्टी हो रखी थी, इनको उठा लेते अपने इस वाले मशीन में। और ये हमने मशीन से उठा लिया, इसको पता नहीं क्या बोलते, अगर आपको बताए तो यार कमेंट कर दो व्हाटएवर जाके इस मशीन को क्या बोलते हैं। तो इसको चल के अभी इसकी जो मिट्टी है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे जो मिट्टी गिराने का एरिया है। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे डाल दी मिट्टी और ये हो चुका है हमारा काम पूरा। और अब मेरी बारी आ चुकी है हमारे गैस स्टेशन को खोलने की। अभी ये देखो ये क्लोज आ रहा है, तो इसको हमको ओपन करना होगा इस लीवर को खींच के, और इसको खींचते और हमारा गैस स्टेशन हो चुका है ओपन। भाई साहब बहुत ही बढ़िया, और बिल्कुल यार सुबह भी हो चुकी है, तो अब यार कस्टमर्स बस आते होंगे। और मैं भूल ही गया, अरे मैंने गैस स्टेशन तो खोल दिया पर मैंने पेट्रोल नहीं देखा कि भाई है कि नहीं उसके अंदर। मुझे तो नहीं लगता कि भाई 10 साल से इसमें पेट्रोल होगा। तो एक काम करता हूँ, पहले अपना जहाँ पे जो कंप्यूटर है ना इसमें यार पहले पेट्रोल ऑर्डर कर देते, थोड़ा सा इसमें जाते हैं अपने डिलीवरी में, यहाँ से अपन को फ्यूल सप्लाई में जाना है और 100 लीटर पेट्रोल मंगवा देते हैं। तो यार अभी मैंने पेट्रोल तो ऑर्डर कर दिया, अभी वो थोड़े टाइम में आ ही जाएगा। पर यार यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना ज्यादा कचरा हो रखा है, मुझे यार ढंग से इसको साफ करना पड़ेगा। पहले एक बार पेट्रोल आ जाए फिर अपन उसको बैठ के आराम से साफ करेंगे। अरे भाई यार यहाँ पे तो सीढ़ियाँ भी, यहाँ पे ऊपर जाने की, यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ मैं। और ये कौन आया? अरे भाई साहब पेट्रोल आ गया मेरा। अरे भाई पेट्रोल आ गया। अरे यहाँ पे कस्टमर भी आ चुके। अरे बहन जी बस रुकना, मैं बस पेट्रोल भरी रहा, मैं लेके आता हूँ। अरे ठीक है थोड़ा जल्दी करना भाई साहब। अरे हाँ जल्दी करता हूँ। अरे भाई इतनी देर लगाता है भाई, थोड़ा जल्दी आकर भाई, पूरी सुबह हो गई भाई, धूप आ गई। अरे जल्दी करा कर अगली बार से जल्दी आना। चल यार फटाफट से पाइप लगा अपना, पेट्रोल भर दे अपनी पूरी टंकी फुल कर दे। यहाँ से हमारा पाइप लग चुका है, इसको ओपन कर देते और हमने ओपन कर दिया अपना पेट्रोल भर रहा है यार, इसके अंदर जा रहा है अपना पेट्रोल। तो अपन चलते अपने पहले कस्टमर के पास और इसको अपने पेट्रोल भर के देंगे यहाँ से यार। अरे बहन जी मैंने पेट्रोल भर दिया, बस भर रहा हूँ। अरे जल्दी करो मुझे अपनी शादी में जाना है। और इनको तो शादी में जाना है, इनको फटाफट से यहाँ से अपना ये उठाते हैं, इसके अंदर पेट्रोल लगा देते हैं, इनका पेट्रोल भर रहा है। इनकी आधी टंकी करनी है तो उनको बिल्कुल फिक्स करके, ना ज्यादा कम ना ज्यादा। तो लो यार मैंने आपका यार पेट्रोल भर दिया है। अरे थैंक यू बहुत शुक्रिया, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। अरे थैंक यू बस यहाँ पे आते रहना, पर यार मुझे जल्दी से कचरा ठीक करने पड़ेगा। पर देखता हूँ मैं यहाँ पे और क्या क्या है यार, और यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी है। अरे एक और कस्टमर आ गया। अरे भाई साहब रुको मैं बस आ गया आपके पेट्रोल भर देता हूँ अभी फटाफट से। इसके अंदर लगा देते अपना पेट्रोल, इसकी भी टंकी भर देते हैं। यार हमारे कस्टमर आ तो रहे पर यार ज्यादा नहीं आ रहे अभी तो, यार बहुत देर बाद एक और आया। पर कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे अभी हमारा चलने लग जाएगा। अभी अपन चलते पहले अपनी सफाई के लिए चीजें खरीद लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रैश बैग, तो इसको खरीद लेते अपने पास और इसको यार ट्रैश बैग से सारा का सारा ये जो कचरा है ना इसको उठा लेते। अभी आप देख सकते हो ये छोटी छोटी जो बोतल और ये सब चीजें पड़ी, इसको मैं डालने वाला अपने ट्रैश बैग में और फिर सीधा इसको डाल देंगे डस्टबिन में। तो इसको फटाफट सब चीजें कलेक्ट करते, आ जाओ तुम भी आ जाओ। कितना कचरा हो रखा है भाई यहाँ पे। तो यार अभी मैं सारा कचरा इस गेट की तरफ फेंक रहा हूँ ताकि उस गेट से मैं सीधा अपने बड़े वाले डस्टबिन में डाल सकूँ। तो इसको भी उठा के यहाँ पे फेंकते हैं, ये टेबल चेयर सब फेंकते हैं क्योंकि हमको सब नया चाहिए भाई, ये पुराना वाला माल हम यूज नहीं करने वाले। तो उसके बाद यार मैंने सारा का सारा कचरा उठा के यार बड़े बड़े डस्टबिन फेंका, और जो हमारी खिड़कियों पर लकड़ियां लगी हुई थी वो भी मैंने उठा के सारी डस्टबिन फेंक दी। तो यार ये आखिरी टायर है जो अभी हमको यहाँ पे फेंकने, अपने बड़े वाले डस्टबिन में फेंक दिया और हमारा पूरा का पूरा बड़ा वाला डस्टबिन भी पूरा भर चुका है। और यार अब आ रही है हमारे सारा का सारा ये मिट्टी साफ करने की, तो इसके लिए हमको चाहिए झाड़ू, इसको यहाँ से ले लेते हैं अभी। और फिर यार शुरू करते हैं यहाँ से पूरी की पूरी मिट्टी हटाना, तो बिना किसी तरीके इनको उठाते, ये ले इसको मिट्टी का पूरा साफ कर दूंगा। अरे झाड़ू लगाने में तो एकदम मस्त एक्सपर्ट हूँ, अभी मुझे पता है यहाँ पे शिनचैन होता है ना वो पक्का मुझे बोलता है अरे देखिए मैं हमेशा झाड़ू लगाया करो ना, मुझे पता है पक्का यही बोलता। तो अभी मैंने इसको पूरा का पूरा साफ कर दिया, ये बाहर की मिट्टी मैं साफ नहीं करने वाला। अरे ये कोने में अभी ये क्या कर रहा है, वो बच्चे पागल लेके ये क्या करने के लग गया। अरे बेटा इधर आ। अरे बेटा क्या होगा, इसकी तबीयत खराब है क्या। अरे भाई साहब पेंटिंग क्यों कर रहा है, अरे ये क्या कर दिया पागल है क्या। अरे भाई इसने मेरी दीवार खराब दी, इस पे जादू क्यों बना दिया इसने। अरे यार मुझे लगता है अभी यार ये मुझे दीवार भी यार पेंट करनी पड़ेगी ताकि यार ये सारा का सारा हट सके। यार ये क्या करके गया बच्चा, बिल्कुल पागल था भाई, ऐसे कौन करता है, यहाँ पे स्प्रे लगा के चला गया। कोई बात नहीं, इसको मैं अभी पेंट कर देता हूँ, बिल्कुल व्हाइट वाला पेंट कर देंगे, किसी को नहीं दिखने वाला। और मेरे पूरा का पूरा जो अपना गैस स्टेशन है इसको भी पेंट कर सकते हैं, पर वो अभी हम नहीं करने वाले, इसको कभी बाद में करेंगे। और
भाई हमारे यहाँ पे कस्टमर आ चुका है तो इसको यार फटाफट से पेट्रोल भर के दे देते। ये ले भाई तेरा पेट्रोल, मैंने लगा दिया इसको, फटाफट से बढ़ते। थैंक यू भाई साहब आने के लिए, यहाँ पे आते रहना, बाय बाय। तो गाइस अभी हो चुकी रात, मैंने सोचा यार आखिर में यार एक बार पेट्रोल भरवा ही लूं यार, फुल करवा लेता ताकि कल सुबह मुझे जरूरत नहीं पड़े। आन दो आन दो भाई साहब, आन दो आन दो, बिल्कुल आन दो आन दो। फिर उसको फटाफट से अभी पेट्रोल भरवाते हैं, फिर अपना यार गैस स्टेशन बंद कर देंगे। आने तो बिल्कुल ढंग से आने दो। हाँ यहीं पे जल्दी से यार पेट्रोल भरो यार, मुझे जल्दी सोने जाना है। तो यार इन्होंने अपना पाइप लगा दिया, इसको मैं चालू कर देता, तो हमारा पेट्रोल यार बिल्कुल ढंग से भर रहा है और रात भी हो चुकी है। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना यार कैसी लगी वीडियो। हमारा गैस स्टेशन इसको हम बनाने वाले, एक बहुत ही बढ़िया वाला गैस स्टेशन। जब तक हमारे पास पैसे नहीं आते हम नहीं जा सकते वापस लॉस सेंटर, और शिनचैन को भी हम वापस नहीं ला सकते। अरे भाई साहब यहाँ पे तो कस्टमर आने लग गए यार, मुझे जल्दी से इसको बंद करना पड़ेगा वरना कस्टमर्स आते रहेंगे। गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लो। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये हमारा गैस स्टेशन हो चुका है बंद।